नायलॉन की रस्सी दिखाना। भाई एक टेप दो। कौन सा वाला? वो सफेद होता है ना, चौड़ा वाला। सुन, तू अतुल जायसवाल है ना? हाँ भैया, आप कौन हो? तेरे पापा तेरी मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए, तुझे भी बुलाया। क्यों? क्या हुआ मेरी मम्मी को? अरे तेरी मम्मी फिसल कर गिर गई, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, बहुत सीरियस है, चल जल्दी, तुझे वहीं बुलाया। लेकिन आप कौन हो? अरे मैं तेरे पापा की दुकान से आया हूँ, अभी ना इतनी बातचीत नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तेरी मम्मी एकदम सीरियस है, पता है? लेकिन हम इधर से क्यों जा रहे हैं भैया? अरे ये हॉस्पिटल का शॉर्टकट है, जल्दी चल, तेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, हमें जल्दी पहुँचना होगा। ज़्यादा चिल्लाया ना तो गला काट देंगे तेरा, जब से शांति से बैठा रहे हैं। चल मैं सिम डाला है ना? हाँ डाला है। लगा फोन। हेलो मुकेश जायसवाल। हाँ आप कौन बोल रहे हैं? तेरे बेटे अतुल से बात कर। अतुल से? क्यों, क्या हुआ उसे? हेलो हेलो पापा। अतुल बेटा क्या हुआ? पापा। अतुल अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी कुछ भी होने। आप है कौन और मेरा बेटा कहाँ है? मुकेश जायसवाल तेरा बेटा अतुल हो गया किडनैप, और उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। अभी पैसे दे और तेरा बेटा लेके जाए यहाँ से। वैसे भी तेरे लिए 1,00,000 रुपए तो हाथों की मैल की तरह। चल अब ध्यान से सुन, तो ये एड्रेस लिख ले। हेलो सुन रहा है तू? हाँ 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 बोलो बोलो। गोविंदपुरी सब्जी मार्केट के पास एक चर्च है, उसके पीछे आ जाना अभी 2:15। ठीक 2:45 वहाँ पे लिफाफा लेके आ जाना। मेरा आदमी तुझसे लिफाफा कलेक्ट कर लेगा, और बिना किसी होशियारी के उसे वो लिफाफा दे देना, कोई नाटक नहीं चाहिए। 3 बजे तक तेरा बेटा घर होगा। और सुन एक और बात, 2,000 के 1 भी नोट नहीं होने चाहिए, सारे नोट 500 के चाहिए। भाई भाई सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन। मुकेश जायसवाल अपना 1 मिनट भी बर्बाद मत कर, तेरे पास सिर्फ 30 मिनट बाकी है। और सुन मेरे आदमियों ने ना हर जगह तुझ पे बहुत कड़ी नजर रखी है, तो पुलिस को तो कॉल गलती से भी मत करना। और ज्यादा होशियारी मारने की कोशिश करेगा तो एक काम कर, एक और एड्रेस लिख ले, जमुना पार। वहाँ पे तू 3:30 बजे के बाद आ जाना पुलिस को लेके। ये तेरा बेटा है ना अतुल, उसकी कटी हुई मुंडी मिलेगी तेको, और धड़ तो कभी मिलेगा ही नहीं तुझे। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं आता हूँ। 2:45 चर्च के पीछे लिफाफे के साथ। हेलो हेलो भाई, पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे? सुहेल कुरैशी उम्र 20 साल, पराग शुक्ला उम्र 20 साल। ये इन दोनों लड़कों का पहला जुर्म नहीं था, और ये इनका आखिरी जुर्म भी नहीं होने वाला था। 3 साल पहले तक इन दोनों लड़कों का जुर्म से दूर दूर का भी नाता नहीं था। ये दोनों 12वीं कक्षा के छात्र थे, और वो भी होनहार छात्र जिनके हमेशा अव्वल नंबर आते थे, और ये दोनों जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे जो स्कूल में बेंच पर एक साथ बैठा करते थे, ये दोनों पड़ोसी भी थे जो दिल्ली के जयनगर मोहल्ले में रहा करते थे। दो होनहार लड़के जो मुश्किलों की दीवारें फांदते हुए उम्मीद की मिसाल बनने चले थे, वो उम्मीद जो उनके माँ बाप को उनसे थी, और जो उन्हें भी खुद से थी। पराग ये 2 प्लेट लगा दे, एक में हरी मिर्ची मत रखना। हाँ हाँ माँ। माँ चाय। जा बेटा अब तू पढ़ाई कर, मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ना,
तू अकेले कितना काम करेगी? और अभी सोहेल और मुझे साथ में पढ़ाई करनी है, तो उसे अभी दुकान से फ्री होते होते टाइम लगेगा। वो मुझे फ्री होते ही फोन करेगा, तभी हम जाएंगे पढ़ने। तब तक मैं यहीं पर हूँ। अरे सोहेल, बस कर बेटा, दोपहर से काम में लगा है, जा अपनी पढ़ाई कर। बस अबू, ये लास्ट टेबल और हो जाए। बेटा ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा ना। मेरा भी तो काम है ना अबू। ना रे बच्चा, तुझे तो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। वो तो मैं बन जाऊंगा अबू, और वैसे भी बिना कारीगर के आप अकेले कितना काम करोगे? अभी सुहेल बताना कौन सा फॉर्मूला। ये ले, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। अबे तूने तो बुक को खोलकर भी नहीं देखा। क्योंकि तभी तो मजा है ना सॉल्व करने का। तू आंसर मैच कर। अबे सही जवाब है। तेरे भाई का ना इस बार टारगेट है बोल 99.1%। तो फिर मेरा टारगेट 99.2% है। से 1% भी कम नहीं, मेरी शर्त। तो अगर तेरा 99.2% है, तो मेरा 99.3%। पराग शुक्ला उर्मिला शुक्ला का इकलौता बेटा था, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर अकेली पराग को बड़ा कर रही थी। सुहेल भी अपने ईमानदार माँ बाप इकबाल और रुखसाना कुरैशी की इकलौती औलाद था। उन दिनों जुर्म की सोच से भी कोसों दूर थे पराग और सुहेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों जिगरी दोस्तों के साथ जो पहला छोटा सा हादसा हुआ वो किसी और टीनेजर के साथ नहीं होता है। पर फर्क इतना था कि ये पहला हादसा इन दोनों युवकों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टॉपर लोग, कुछ देखना है क्या? क्या बे? चकाचक। चकाचक क्या? स्कूल के बाद टेकरी पर आ जाना, लाइफ बन जाएगी। ऐसी भी क्या चीज दिखाने वाले लकी? अरे आ तो जाओ, राजू करण भी आने वाले। ऐसी चीज है कि सीधा शाहदरा से साउथ हेड्स। लेकिन है क्या? पहुंच जाना, पता चल जाएगा। जिंदगी में कभी ऐसी चीज तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। टेकरी पर शार्प 2:30 बजे, लेट मत होना। अबे ये लकी ना बहुत बड़ा फेकू है, और जुगाड़ू भी। छोड़ ना, एक बार देख के आते कि दिखाने क्या वाला है। अरे वाह, टॉपर लोग तो सच में आ गए, क्या बात है। आज इन दोनों को करंट लगने वाला है। बहुत सही टाइम पे आए हो तुम लोग, अभी शुरू नहीं किया, शुरू करने वाले। वैसे क्या दिखाने के लिए बुलाया तूने? अरे बैठो तो सही यार, बैठो 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 बैठ जाओ। ये चोरी का स्मार्टफोन दिखाने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया है? अरे नहीं रही, मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल के अंदर कुछ चीज है वो देखने लायक है। बिल्कुल सही बोला, इधर आ, ये देखो, ये है देखने की असली चीज। बोलो क्या करूं? कपड़े उतार। अब देख, आखिरी बार उतारेगी तो एक्सप्रेशंस देखना, एक नंबर है यार। अबे बंद कर यार, ये कुछ भी देखता है। हट, क्या हुआ? ये तेरी चकाचक चीज। हमें ब्लू फिल्म दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। छोड़ यार सोहेल, चल। अरे ओ शरीफ जादू, लाइफ का असली लेसन इसी में है, तुम्हारी किताबों में नहीं, समझे? और भाई फिर बाद में प्रैक्टिकल भी तो करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे जाने देना यार, क्यों वीडियो रोका? अबे जा रहे तुम लोग। चिपक चिपक के इन दोनों का ना आपस में एक्शन रिएक्शन है। वैसे इन्हें लड़की देखकर करण कैसे लगेगा यार? ए राजू, तू अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा। अरे तुम लोग अपना लिमिट कब क्रॉस करोगे यार? अरे देखो तो सही, कुछ लोग होते ही ऐसे, मोम जितने नरम और बर्फ जितने ठंडे। जाओ भाई जाओ, तुम दोनों आपस में रहना। करण करण, अरे वाह, ये हुई ना मर्द वाली बात। आओ बैठो, जगह दे जगह दे, बैठ। भाई पूरी 2 घंटे की मूवी है, मैंने 2 बार देखी है, मजा आया। देखो देखो देखो,
अगर हमारे पास भी एक स्मार्टफोन हो तो? भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन लिया है। तो हम लोग लकी से वो ट्रांसफर्स भी ले सकते हैं मूवी के। हाँ यार, और वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, बस फोन तगड़ा चाहिए। और वैसा बड़ा स्क्रीन रहेगा तो मस्त मजा आएगी ना, सब बड़ा बड़ा दिखेगा ना उसमें। 4000 का फोन? हाँ माँ, सबसे सस्ता स्मार्टफोन है ये। और उसमें क्या, मेरे पढ़ाई लिखाई की सारी मटेरियल्स रहेगी, तो समझो कि मेरा कंप्यूटर ही होगा वो, तो मैं वहीं से पढ़ लूंगा ना। दरअसल किताबें खरीदने के बजाय मैं सीधा इंटरनेट से डाउनलोड कर लूंगा अबू, वो भी फ्री में। कितने पैसे बचेंगे ना अबू। लेकिन उसके बाद उसमें वो इंटरनेट का खर्चा अलग से होगा ना। नहीं माँ, वो सबके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, बस थोड़े से ही लगते, और मुझे कौन सा दिन भर चिपके रहना है। और अबू ये वाला फोन है ना, अब कोई नहीं खरीदता अबू। अबू ये एकदम लैंडलाइन जैसा हो गया है। ठीक है, दिला देना प्लीज। ठीक है। यार सोहेल, बहुत हो गया थियरी यार, लगता है प्रैक्टिकल करना ही होगा। तो बताना प्रैक्टिकल के बारे में, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। प्रैक्टिकल सही है भाई, तुम लोग तो बहुत जल्दी ग्रेजुएट बन गए भाई। असली में कैसे कर सकते हैं? जीबी रोड देख भाई, 500 वाले हैं बुरे नहीं होते, लेकिन असली मजा चाहिए तो 1000 वाली देगी। 1000? 1000? एक आदमी का 1 घंटे के लिए जो मर्जी वो करवा लो, समझा? इधर बैठ। देख बेहीरो, तेरा फर्स्ट टाइम है, इसीलिए तुझे डिस्काउंट दिया। अब इसे घूर घूर के टाइम वेस्ट मत कर, आ जा मेरे पास। ये तो तेरे लिए ही बनी है। और वो श्रुति तेरे लिए। हाय श्रुति। हाय। देख बेटा, मेरी बात मान, तू स्कूटर ले जाया कर। अब्बू एक तो स्कूटर, ऊपर से खटारा, मेरा मतलब पुरानी। पुरानी है तो क्या हुआ, चलाने से मतलब है ना, और 10 साल में एक बार भी बंद नहीं पड़ी है। और क्या, और तू भी ढंग से चलाएगा, अच्छे से ख्याल रखेगा तो और 10 साल चलेगी। अम्मी मुझे कॉलेज बाइक पे ही जाना है, वो भी नई। नई बाइक का मतलब 30,000 रुपया तो लगेंगे ही। 40? बाप रे इतना? देख बेटा, इतना पैसा तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, मेरी बात मान, स्कूटर ले जाया कर,
अब बाइक से जा चाहे स्कूटर से, जाना तो है इस कॉलेज ना, पढ़ने के लिए ना। तू एक काम कर, तू अपने साथ पराग को भी ले जाना, जाते समय वो चला लेगा और आते समय तुम, ठीक है ना? महीने के 5-6 हजार रुपए, ये किस लिए? माँ वो स्कूल के लाइब्रेरी के फीस, फिर कंप्यूटर लैब के फीस, साइकिल के पार्किंग के फीस, ये सब छोटे मोटे खर्चे मिलाकर 5-6 हजार रुपए तो लगेंगे ना। पर आएंगे कहाँ से पराग? तुझे तो मालूम है ठेले का किराया देने के बाद हाथ में बचता ही क्या है, 10-12 और ज्यादा से ज्यादा 15, तो फिर इतने पैसे? तो फिर माँ मैं अपना कॉलेज पूरा कैसे करूँगा? देख तेरे कॉलेज के 6 महीने की फीस तो मैंने भर दी है, तो कॉलेज वालों से बात कर, बोल टॉप के नंबर लाऊंगा, लेकिन बाकी ये सब माफ कर दे। तू बोले तो मैं आऊँ प्रिंसिपल से बात करने। ये कोई हमारे गली की स्कूल नहीं है, यहाँ पर ऐसा सब नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 हजार तक दे सकती हूँ, उससे भी कम में निपटा दे तो अच्छा रहेगा। माँ मेरे हिसाब से 6 हजार रुपए तो चाहिए, लेकिन मैं 5 हजार तक ला सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे हो पाएगा। यार सोहेल, अगर मैंने गले से इसे ज्यादा पैसे निकाले ना तो मेरी माँ मुझे पक्का पकड़ लेगी। अरे हाँ यार सही में, मेरे अबू भी ना वो 200 साल पुरानी खटारा स्कूटर पकड़ा रहे थे मुझे, सोच जीनत उस पर बैठेगी भाई, देखते ही भाग जाएगी। और मैं ऐसे ही जीनत को ना अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता यार। यार मैं भी श्रुति को ऐसे नहीं जाने दे सकता भाई, लेकिन हमें कुछ सोचना होगा जिससे ये दोनों लड़कियाँ ना हमारे जिंदगी में टिक जाए। पर उसके लिए ना यार हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए होगा, जैसे बैंक में होता है ना फिक्स डिपॉजिट, ठीक वैसे ही। नहीं यार सुहेल, फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमें ATM चाहिए, एनी टाइम मनी। ऐश हो जाएगी यार, ATM और साथ में एक कार्ड, पर कब खुलेगा हमारे किस्मत का खाता, कैसे मिलेगा हमें ये ATM? पराग शुक्ला और सोहेल कुरेशी ने अपनी तकदीर बदलने के लिए क्राइम की किताब में एक नया अध्याय खोला। अपने माँ बाप के भरोसे को और खुद के सपनों को पैरों तले कुचलते हुए दोनों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अपने खुद के ATM की तलाश उन्हें अंधेरी गलियों में ले जाने वाली थी। आखिरकार उन्हें एक ATM मिल भी गया, लेकिन ये एक अलग किस्म का ATM। नगर में रहता है और नंदिनी चांद कॉलोनी में। ये दोनों शादीशुदा है? हाँ, नंदिनी का पति रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर है और कपिल की बीवी सेल्समैन एक मॉल में। दोपहर को नंदिनी अकेली होती है घर पे, ये कपिल हर दूसरे दिन आता है मुंह मारने। लेकिन साला प्रॉब्लम ये है कि कमरे की खिड़की बंद करके रखते ये लोग। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब सॉल्यूशन है अपने पास। बे ये तो एकदम लाइफ ब्लू फिल्म जैसा है भाई। इस फिल्म का हीरो मुझे बनना है। क्या हॉट लग रही है यार नंदिनी भाभी। चुप, खुद के ATM पे डाका नहीं डालते। हाँ यार ये बात भी है। ये सिर्फ पहला एपिसोड है, पूरी सीरीज बनी है 10 एपिसोड्स की। लोग वो कौन और ये कैसे शूट किया तुमने? अरे कपिल जी, कैसे क्या ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? हम आते सीधा मुद्दे की बात पे। ये जो आपकी हीरोइन है ना नंदिनी, आप तो जानते होगे कि उसका हस्बैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसर है। उसने ये वीडियो देख लिया ना तो बवाल तो बहुत होगा, ये पक्की बात है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। तो आप ही कुछ कीजिए ना नंदिनी भाभी जी, आपका भी 5 हजार पकड़ कर चले महीने का। आप और कपिल हर महीने 5-5 हजार रुपए देते रहिए, आपकी वीडियो सेफ रहेगी और आप भी। लेकिन हर महीने में 5 हजार रुपए कहाँ से लाऊंगी? हर महीने आपके पति की सैलरी आती, वो आपको घर खर्च के लिए पैसे देते होंगे, आप उसमें से बचा के दे दीजिए, या फिर आप कंगन बेचिए, झुमका बेचिए, कुछ भी कीजिए। कंचन नगर में आपका एक और मकान है, मकान नंबर 12, जहाँ से आपको महीने के 14 हजार रुपये मिलते 2 किराएदारों से। अरे पूरे 14 हजार नहीं चाहिए हमको,
आपको उसमें से हमें देने होंगे सिर्फ 5,000 रुपये। और वैसे भी अगर आप थोड़े पैसे खर्च कर दोगे तो भूखे तो नहीं मरोगे, समझ रहे हो ना बात हमारी? पराग और सुहेल ने कपिल और नंदिनी को अपना एटीएम बना लिया। ब्लैकमेल के पैसों के जरिए उन्होंने जीनत काजमी और श्रुति राजगीर पर अपना इंप्रेशन जमा लिया। अब पराग और सुहेल वो जिंदगी जी रहे थे जो उनके बचपन का सपना तो नहीं था, पर गुमराह जवानी की तलब थी जो वो पूरी करना चाहते थे। माँ बाप आखिरकार माँ बाप होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों में आए इस बदलाव को भांप लिया। तूने शराब पी रखी है पराग? नहीं तो माँ। पराग! सुहेल, ये क्या है? ये तू पी के आया है? नहीं अब्बू, हल्का सा चक्कर आ गया था, पैर लड़खड़ाए तो फिसल गया था अम्मी। और ये बदबू कैसी है? अबू कॉलेज में भी चक्कर आया था यही बुरा वाला, तो दवाई पी थी उसी की होगी। सुन दो अबू। सोहेल, सोहेल क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया इसे, और इस तरह चक्कर आकर कैसे फिसल गया? रुखसाना, लड़का हमारा फिसला तो है मगर चक्कर क्या है? तो झूठ तो नहीं बोल रहा परा? ये नए जूते नए कपड़े कहाँ से आए ये सब? कई दिनों से देख रही हूँ, सोहेल को भी देखा है मैंने। मेरे सवाल बहुत दिनों से तुम लोगों से। माँ, वो आजकल मैं और सोहेल वो कुछ 11वीं के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं और कुछ 12वीं के बच्चों को भी कॉलेज के बाद, तो वहीं से आ रहे हैं सारे पैसे हमारे पास। तो सच बोल रहे हैं ना पराग? हाँ माँ, सच बोल रहा हूँ मैं, आपकी कसम। अच्छा, तो आज तक तो तूने अपनी माँ को एक भी पैसे नहीं दिए। तुझे नहीं लगता कि अगर तू कमाने लगा है तो तुझे अपनी माँ की भी मदद करनी चाहिए? हाँ सॉरी माँ, वो आजकल इतना प्रेशर है ना पढ़ाई का और बाकी सारी चीज़ों का, तो मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन अगले महीने से मैं आपको पक्का पैसे दूंगा, 100%। अभी आप सो जाओ माँ, मुझे भी सोना है। साला कल का जो चौथा शॉट था ना, भारी पड़ गया मेरे को। और पियो ना विस्की, मैं तो कब से कह रहा था बियर पीते, लेकिन नहीं, मुझे तो हीरो बनना था ना। अभी विलन बन गया यार, घर पर माँ ने पकड़ ली और पकड़ते ही मेरी सारी की सारी उतर गई। अबे आज सुबह मेरे अम्मी अबू जो लेक्चर दे रहे थे ना, क्या बताऊँ तुझे, दिमाग ही खराब हो गया। ऐसा लग रहा था पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। सब सच बताइए, चल क्या रहा है? कॉलेज ही जा रहा है ना, या कुछ और करने लगा है? तुमने कल रात को कहा था कि दवा की बुआ रही है, तुम्हें क्या लगा हम लोग मान जाएंगे? अरे हम लोग अभी पैदा हुए हैं क्या? बेटा, बड़ी मुश्किल से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, कॉलेज भेज रहे, तू होनहार है, इन बुरी आदतों में कब से पड़ गया? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोले जा रहा है, बस इतना सुनाई दे रहा था, सतर्क रहो सतर्क रहो। अबे तो हो जाते ना सतर्क, मैंने तो अपने घर पे मामला सुलटा दिया। कैसे? बोल दिया मैंने कल रात माँ को कि हम दोनों कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा रहे, अगले महीने 1,000 रुपये पकड़ा दूंगा और तू भी अपनी अम्मी को 1,000 रुपये पकड़ा देना। अबे ओ, अबे मुझसे बात तो कर लेता कि क्या बम फोड़ने वाला है, नशे में भूल गया था क्या कि अगले महीने जीनत और श्रुति दोनों का बर्थडे है। क्या कर दिया यार तूने, एक तो वैसे ही पैसे कम पड़ रहे थे, अब लेने के देने उल्टे पड़ जाएंगे। जीनत, श्रुति, हम दोनों ने प्लान किया है कि तुम दोनों का बर्थडे हम एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे, डबल डेट पर जाएंगे। वाओ, हाउ स्वीट बेबी। स्वीट वीट सब ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन ना ढंग का होना चाहिए, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, मैं अभी कह देती हूँ। श्रुति, तुमने हमें चिंदी चोर समझा है क्या? बेबी डिटी रिसोर्ट में हमने 2 रूम्स बुक किए पूरे दिन के लिए। एक मिनट, तुमने हम दोनों को समझ के क्या रखा है, ये रूम वूम किस लिए? तुम बोलोगी चेस खेलना है तो चेस खेलेंगे, और तुम रात को दिन कहोगी तो दिन कहेंगे। प्रॉमिस। सुन, अगले महीने कुछ देने की गुंजाइश नहीं है घर पर, उसे अगले महीने देखेंगे। अबे यार, पर हमने डीटी रिसोर्ट वगैरह बोल तो दिया,
लेकिन उसका रेट ही नहीं पता किया है और ये कपिल नंदिनी एटीएम लिमिट के ऊपर है। एक काम करेंगे, अपने एटीएम से 3 महीने का एडवांस ले लेंगे, उनसे बोलेंगे 3 महीने तक चैन की सांस लो, हम कबाब में हड्डी बनने नहीं आएंगे। हाँ हाँ, गुड गुड आइडिया, 3 महीने का पैसा एडवांस में ले लेंगे तो फिर हम सेफ हैं, उसके बाद कबाब शराब और शबाब सब एंजॉय करेंगे। सही बोला, ले चीयर्स। सुनो, ये 16/24 वाले कहाँ गए? रेवेन्यू ऑफिसर शिव कुमार सिंह। हाँ वही वही, उनका तो ट्रांसफर हो गया, 10 दिन पहले ही घर छोड़ के चले गए। क्या कपिल जी, क्या हो गया? आजकल आप हमारे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? और आपको क्या लगा कि हम आपके घर का एड्रेस ढूंढ नहीं सकते? हाँ, एक और एड्रेस है मेरे पास, ढूंढने की जरूरत नहीं, चल। कहाँ पे? कंचनगढ़ पुलिस स्टेशन है, आजा आजा लेके चलता हूँ, आजा आ रहे। एक मिनट कपिल जी, क्या हो गया आपको? हीरो क्यों बन रहे? भूल गए आप? आपकी और नंदिनी की एक नहीं 10 वीडियोज है हमारे पास, ये भी अपलोड कर, फिर पुलिस तुम दोनों को कैसे डाउनलोड करती है वो देखना। अचानक क्या हो गया आपको? अभी तक तो टाइम टू टाइम दे रहे थे ना पैसे हमारे। इब नहीं मिलना, नंदिनी के पति का हो गया ट्रांसफर, वो अपने पति के साथ चली गई है, अब तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं मिलना। तुम दोनों को अगर जेल की हवा नहीं खिलवाई ना मैंने, तो कपिल नाम नहीं है मेरा, बहुत हीरो बनते हो ना तुम दोनों, ब्लैकमेलर। चल आप। अरे नहीं नहीं कपिल जी, एक मिनट, जाने दीजिए ना, आप क्यों इतने सीरियस हो रहे? आपसे नहीं मांगेंगे हम पैसे आपसे, और वो जो वीडियो था वो भी हम अभी डिलीट कर देते आप ही के सामने। अरे वो तो तू डिलीट करेगा ही पुलिस के सामने, मेरे 5 महीने के 25,000 रुपए भी देगा कैश। जा कहाँ रहा है? सब मालूम किया, बचेगा नहीं तू। अंकित नाम नहीं है तेरा असली, पराग नाम है, और वो तेरा दोस्त सोहेल। क्यों? तेरी कॉलेज, तेरे घर का एड्रेस सब मालूम है। और इधर सुन, इधर। अरे कपिल जी, माफ कर दीजिए इस बार। माफ कर दूं? माफ कर दूं हाँ? अब तुम दोनों अंडमान दिल्ली कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढ लेगी। मैं उनकी मुठ्ठियां ऐसे गर्म करूंगा कि तुम्हारे, मुझे 1 महीने के अंदर पूरा 25,000 रुपया चाहिए। चल। लग गई यार। ऐसे कैसे हो गया यार? जब मैं पिछले महीने नंदिनी के पास गया था पैसे लेने के लिए, उसने तो नहीं बताया था ये ट्रांसफर के बारे में कुछ भी। तुझे बताते रहेगी ना वो बिठा के सारी चीजें। और वो तेरा कपिल, उसने कौन सा बहादुरी का कैप्सूल खा लिया है जो इतना फैल रहा है? भगवान जाने भाई, अभी उसे 25,000 रुपए देने बाकी है, कहाँ से लाएंगे? पिछले महीने तक भीगी बिली बन के घूम रहा था और अभी पुलिस की धमकियां दे रहा है। तुझे उसकी धमकी की पड़ी है? और जो हमें दी थी वो जीनत और श्रुति ने, उसका क्या? इन लोग ने अब कौन सी धमकी दे दी भाई? अबे भूल गया क्या? बोला था ना कि अगर छोटी सी पार्टी होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देख बॉस, मैं बहुत मुश्किल से ना किस तक पहुंचा हूं यार, मुझे ना पूरा बुफे खाना है, स्टार्टर से काम नहीं चलेगा यार। डीटी रिजॉर्ट वाले को कैसे भी पैसे देना ही होगा। मतलब इन शॉर्ट हमें एक नया एटीएम ढूंढना है, लेकिन लाएंगे कहाँ से यार? और कोई चारा भी तो नहीं है ना, सारी की सारी दिक्कतें एक ही साथ आ गई है सिर पर। ये डीटी रिजॉर्ट का खाना पीना दारू वारू रूम्स वगैरह, मतलब पूरा पैकेज मिला के हमें कम से कम 20-21,000 तो लगेंगे ही, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा यार? तोले सोने का करंट रेट है 33,000, मतलब पूरे 3 तोले चुराने हो गया हमें। मेरा मतलब 1 लाख तक आएगा अपने हाथ में। अबे नहीं बे, चुराए हुए सोने के इतने पैसे थोड़ी ना मिलते। देख, मेरा प्लान फॉलो करेंगे ना तो पूरे 1 लाख रुपए आएंगे। हम जौहरी के सबसे कीमती जेवर को चुराएंगे, उसके बेटे को। देख, ये अपना नया एटीएम होगा, अतुल ज्वेलर्स, इसका ओनर मुकेश जायसवाल, उसका सन अतुल जायसवाल जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ता है और 10 साल का, इसको उठाएंगे।
और इसके बाप को फोन मारेंगे, बोलेंगे 1 लाख की फिरौती दे, और वो पुलिस को फोन नहीं करेगा, हमें ऐसे ही पैसे दे देगा। अबे पुलिस पुलिस का सोचने का टाइम ही नहीं देंगे, बोलेंगे 30 मिनट है तेरे पास, 1 लाख रुपए लेकर आ वरना तेरे बेटे के 2 टुकड़े मिलेंगे। और देख मैं गारंटी देता हूँ बॉस, 1 लाख रुपए लेकर आएगा। देख परा प्लान सॉलिड है, वर्क करेगा। तो तेरा प्लान किडनैपिंग का है? हाँ, 1 लाख रुपए में 25,000 रुपए उस कपिल के मुंह पे मारेंगे, 22,000 रुपए डीटी रिजॉर्ट वाले को देंगे और बाकी बचे पैसे आधे देख घर में भी देंगे और मजे भी करेंगे। इतना आसान लग तो रहा है, लेकिन कोई परेशानी नहीं आएगी ना बीच में? आसानी से तो हमसे वो जीनत और श्रुति भी तो नहीं पटी थी ना। अबे तू सिर्फ रिजॉर्ट के रूम का सोच, सॉफ्ट सफेद बिस्तर, एसी, वाइन, दारू, विस्की, अबे पूरे दिन डिस्टैंग विस्टैंग, मतलब दिन में स्वाग रात। कब उठाना इस जौहरी की औलाद को? ना मर्दों वाली बात। ऑल द बेस्ट, जैसे ही पैसे हाथ लगेंगे फोन कर देना। ठीक है, चल बाय। ए जूनियर जौहरी, तेरा बाप पैसे देगा ही देगा और फिर तू घर चला जाएगा, लेकिन अगर घर जाने के बाद तूने किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी बोला ना, तो तुझे फिर से उठवा दूंगा और यही इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा। जयसवाल, अतुल मिलेगा, ये चुपचाप से मेरे साथ चल। पहले मेरे बेटा काम बोला ना, चुपचाप पैकेट। पहले मुझे अतुल लौटा तो फिर मैं पैकेट दूंगा। क्या समझाया था तुझे, तू मुझे अभी यहाँ पे पैकेट देगा तो 3 बजे तेरा बेटा तेरे घर पर होगा। ये देख अतुल, चिल्लाना नहीं। देख भाई हम लोग ना पेशेवर किडनैपर नहीं है यार, बहन के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तू पैकेट दे और चुपचाप से अपने घर जा, तेरा बेटा आ जाएगा टाइम। अतुल अभी मेरे हवाले कर दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। प्लान चेंज नहीं होगा, पखेड़ा मत खड़ा कर, एक बार उसे देखने तो दो, मिलने तो दो। ज्यादा दिमाग क्यों खराब कर रहा है मेरा, एक फोन मारा ना मैंने अपने पार्टनर को तो तेरा बेटा गया काम से, फिर पछताते रहना पूरी जिंदगी। नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, चुपचाप घर लौट जाओ, बच्चा आ जाएगा। जुबान दे रहा हूँ मैं आपको। हेलो, पैसे आ गए जो तय किया था हमने, कर दे। गुड बॉय है ना, किसी को कुछ भी बोलेगा पक्का? चल प्रॉमिस कर। अतुल कहाँ है जी? शांति आराम से, उन्होंने जुबान दी है कि 10 मिनट में अतुल को घर पहुंचा देंगे। आपने पैसे दे दिए और बच्चा साथ नहीं लाए? इंतजार करते कुछ देर, अतुल आ जाएगा। अतुल अतुल अतुल
पकड़, ये पकड़, ये 25,000 उस कपिल सुअर के मुंह में मार, और ये 22,000 रुपए उस जीटी रिजॉर्ट वाले को, और ये बाकी बचे 50-50 होंगे अपने में, यानी 26.5 तेरे, 26.5 मेरे। अब बोल, बेटर प्लान था ना मेरा दुकान लूटने से? बिल्कुल, नया ATM। जुर्म के रास्ते पर अभी तक पराग और सोहेल को कानून का स्पीड ब्रेकर नहीं लगा था, पर ऐसा भी नहीं था कि उन्हें पूरा खाली रास्ता मिला था बिना किसी रुकावट के। ये रुकावट वहां से आई जहां से पराग और सुहेल ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये रुकावट डालने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके परिवार वाले थे, जो ये भाग गए थे कि उनके लड़के मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से हटकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, और वो भी काफी रफ्तार से। श्रुति, तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे सांसों में दौड़ रही है। फिर से कब होगे स्वर्ग के दर्शन? ढूंढ रहा है ना तू? हाँ माँ, वो मैं आपको ये पैसे देने ही वाला था, ये मेरी कमाई है। तेरी ट्यूशन की कमाई? ऐसा कौन सा ट्यूशन पढ़ाते रहे तू जहाँ 26,500 रुपए मिलते हैं? अरे माँ, भी वो जमाना बदल गया है, और हम पढ़ाते भी ऐसा ना तो हमारा रेट भी हाई होगा और खर्चे भी हाई हैं। ये श्रुति कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड मालूम होती? माँ, आपको मेरा फोन नहीं छूना चाहिए था। क्यों? ताकि इसमें छुपी गंध ना देख सकूं मैं? अरे गंदी गंदी फिल्में भरी हैं इसमें। आप ऐसे कैसे फोन छू सकती है मेरा? दीजिए यहाँ पे, गलत बात है ये माँ। गलत? पर ये फिल्में गलत नहीं है, इसीलिए तूने स्मार्टफोन की जिद की थी? हाँ, इसीलिए तूने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा पर माँ वो? और ये तेरी मेहनत की कमाई अतुल झूरे के लिफाफे में थे, पता भी है इसमें? इसी जोरी के बच्चे को ट्यूशन देता है ना तू? 26,500 का ट्यूशन? याद हो माँ, विश्वास करती तो दो यहाँ पे माँ। विश्वास? ये सब देखने के बाद विश्वास? अरे अब जिंदगी भर विश्वास नहीं कर पाऊंगी तुझ पर। विश्वास होता क्या है, तुझे तो पता भी नहीं है नालायक। सोहेल भी शामिल है ना इसमें? नहीं रहा है। ये 20,000 रुपए मिले तेरे ड्रॉर से, ये भी कुछ नहीं है? कब से बोल रहा हूँ, सच बता, सच बता, जाता क्यों नहीं है? क्या बताऊँ, ये दिन रात बैठ के पढ़ाई करता हूँ। जिसका नतीजा सामने है ना, सेकंड ईयर में तेरे कितने नंबर गिर गए हैं। और पराग की माँ उर्मिला बता रही थी उसके फोन में वो श्रुति मिली है, और गंदी गंदी फिल्में तेरे फोन में क्या है? अम्मी, उर्मिला आंटी को कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा करो मुझ पे। मतलब क्या करूँ मैं इसका? तेरे मम्मी ने मेरे अम्मी अबू को बता क्या दिया? घर में बैंड बजी हुई है मेरी। हाँ, मेरी माँ मुझे रोज धमकियां दे रही है कि अतुल ज्वेलर्स जाके इंक्वायरी करेगी। ये तो सही में लेने के देने पड़ गए यार, अपने लोग ही दुश्मन निकले। सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है माँ मुझसे, या तो रोते रहती है हमेशा कि पैदा क्यों किया, पैदा क्यों किया, तो फिर धमकियां कि घर के कागज से तेरा नाम ही निकाल दूंगी मैं। तू एक काम कर, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल, घर तो तेरे नाम ही होगा। और कौन है ऐसा? अबे है ना वो ओम प्रकाश जो मुंह मोड़कर चला गया था, लौट आया मेरी माँ के पास वापस।
छोले पे ध्यान रखना, हाथ चलाते रहना, नीचे से जलने ना पाए। मैं अभी आती हूँ, पकड़। चलो ये पहले भी आ चुका है यहाँ पर 2-3 बार। तो वो जब भी आते तो उसे अकेले में जाके बात करती है। तो क्या लगता क्या है वो तेरा? अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आता ना, तू मेरी जिंदगी में नहीं आता, समझा? ओम प्रकाश शुक्ला नाम है उसका, और वो तेरा नहीं। और अब क्यों लौटा है वो? इस घर में उसका भी हिस्सा है। अच्छा, तो अब जाकर याद है उसको इस घर की? बीमार है वो। अरे बीमार है तो हम क्या करें उसमें? कहां था वो इतने सालों से? और तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? छुपा के क्यों रखी ये बात मुझसे? इतने सालों की छोड़, तूने मुझसे क्यों छुपाया कि तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और मेरी भी? अरे कुछ भी नहीं बर्बाद किया मैंने। जाकर पूछू अतुल जुलस को। ये धमकियां देना कब बंद करेगी तू? हाँ, और सुन ले, इस घर का एक ढेला भी नहीं मिलेगा उस आदमी को। वो तो तुझे भी नहीं मिलेगा। क्या क्या बोली तू? सुना तूने? जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि इतने पैसे कहां से आए हैं, तब तक कुछ नहीं दूंगी तुझे। और इस मकान के कागज से भी तेरा नाम हटा दूंगी। ठीक है, तू कर ले कोशिश, मैं भी देखता हूँ कैसे कागज से मेरा नाम हटाती है तू। हालत खराब कर दूंगा मैं सबकी। क्या क्या बोला तू? तू वही बेटा है जिसे मैंने अब तक संभाला, बड़ा किया। तू भी वही माँ है ना जो मुझे बोलती थी कि मेरा बाप एक बहुत भला और नेक इंसान है जो चल बसा। तू ही सोचना, झूठ बोलना और छुपाना किससे सीखा है मैंने? मुझे सबक सिखाने के लिए पूरा घर उस आदमी के नाम पे कर सकती है वो। सच में तेरा बाप है वो? ए, बाप नहीं है वो मेरा। पर ऐसी बातें करना नहीं दोबारा तू। सॉरी यार, सॉरी। आजकल माँ को देख के ना एकदम खून खौलने लग जाता है मेरा। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता यार घर जाने का। अबे तेरे घर पे थोड़ी ना रोज रोज टॉर्चर करते, धमकियां मिलती है तेरे को रोज रोज। अबे किलो के भाव से ताने मिलते हैं मुझे, ऐसा लगता है जिंदगी झंड हो गई है साली। सोहेल, मुझे मेरी माँ को मारना है। क्या बात कर रहा है, बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूं, जान से मार देना है उसे। सच में भाई, फिनिश। ओए टॉपर लोग, क्या चल रहा है? कट रही है हमारी। तू बता तेरा क्या चल रहा है? भाई मैंने तो अपनी कैब डाल रखी है, सही चल रही है। तुम लोग कॉलेज में क्या नया गुल खिला रहे हो? अभी वो सब छोड़ना, सुन लकी, एक काम है, तू साथ देगा? कैसा काम? मतलब पैसे है, तुझे पैसे मिलेंगे। अबे करना क्या है? अब रोज कॉलेज, वो सिर्फ कॉलेज ही जा रहा है ना तू? जासूस लगा दे या तो खुद ही पीछा करके देख ले, मैं बोलूंगा तो तू भरोसा करने से रही। करूंगी, वो भी करूंगी। ये श्रुति तेरे क्लास में है? उसके माँ बाप उसको कुछ बोलते नहीं? तू एक काफी है ना।
पराग शुक्ला और सोहेल कुरेशी की जिंदगी का अध्याय 9 अब लिखा जाने वाला था, पर क्या यह अध्याय वैसा ही लिखा जाने वाला था जैसे कि उन्होंने प्लानिंग की थी? पराग की मां उर्मिला के कत्ल की प्लानिंग, इन दोनों की कहानी के अध्याय 2 तक ये अलग ही किरदार थे, ईमानदारी, मेहनत और शिद्दत के रोल मॉडल्स थे। फिर शुरू हुआ इनका पतन और चैप्टर बाय चैप्टर वो जुर्म और हैवानियत की इस गहराई तक आ पहुंचे। ये और धंसने वाले थे, कई और अध्याय लिखे जाने वाले थे और जाहिर तौर पर इस कहानी का एक आखिरी अध्याय भी होना ही होना था। और साथ ही सामने आने वाला था पराग की जिंदगी का एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी के पहले अध्याय से जुड़ा था, जिसकी पराग को खबर ही नहीं थी, और ये राज बना उसका गहरा घाव। कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम आपको लेकर जाएंगे इस कहानी के आखिरी अध्याय तक। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।